Save your religion, then religion will save you. अगर आप अपने धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करता ही है. जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था तो कंस की दो पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति. कितनी? दो, अस्थि और प्राप्ति. और ये दोनों ही जरासंध की पुत्री थी. जैसे ही कंस का वध हुआ वो दोनों जरासंध की पुत्री अपने पिता के पास में गई और अपने पिता के पास जाकर रोने लगी. उन्होंने कहा कि हमें हमारे सुहाग को छीनने वाला कृष्ण है, आप हमारे पिता हैं, हमारे दुख को समझें. जरासंध को बड़ा बुरा लगा और जरासंध ने 17 बार मथुरा के ऊपर चढ़ाई करी. सेना लेकर जरासंध 17 बार मथुरा के ऊपर चढ़कर आया और श्री कृष्ण ने खेल ही खेल में 17 बार जरासंध को परास्त कर दिया. 18वीं बार कालियवन को सेनापति बनाकर और ब्राह्मणों को बंदी बनाकर उस जरासंध ने कहा कि तुम मेरी विजय के लिए यज्ञ करो और अगर तुम मेरी विजय के लिए यज्ञ नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा. मृत्यु दंड. बेचारे ब्राह्मण मृत्यु के भय से जरासंध की विजय के लिए यज्ञ करने लगे और भगवान श्री कृष्ण के पास कालियवन को सेनापति बनाकर जरासंध ने अपनी विशाल सेना भेजी. बड़े ध्यान से सुने, बताइए भगवान का प्रादुर्भाव किसके लिए होता है? बोलिए, किस लिए होता है भगवान का प्राकट? गीता में भगवान ने कहा है, यदा यदा धर्मस्य. हर एक सनातनी को पता होनी चाहिए बात. हम सबको पता है खाना कैसे है, हम सबको पता है कमाना कैसे, हम सबको पता है सोना कैसे, हम सबको पता है और अन्य अपनी इच्छाएं पूरी कैसे करनी है ना. वैसे ही पता होना चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है. जिस परमात्मा ने हमें इस धरती पर भेजा है वो इस धरती पर बार बार क्यों आते हैं, हमें ये मालूम होना चाहिए. आने का रीजन, कारण क्या है भगवान का? यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य त्रदात्मानम् सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है तब तब भगवान या तो स्वयं आते हैं या अपने जनों को भेज देते हैं. किसके लिए? धर्म की रक्षा के लिए. और धर्म का हनन कब होता है, धर्म का लॉस कब होता है? जब आप झूठ बोलते हो तो अधर्म बढ़ता है और धर्म घटता है. ध्यान से सुनिए, जब आप असत्य बोलते हो तो अधर्म बढ़ता है, जब आप किसी के साथ कपट करते हो तो अधर्म बढ़ता है, जब आप मद्यपान करते हो तो अधर्म बढ़ता है, जब आप मांस भक्षण करते हो तब अधर्म बढ़ता है, जब आप जुआ खेलने का मन बनाते हो तब अधर्म बढ़ता है, जब आप किसी पराई स्त्री पर दृष्टिपात करते हो, पराई पुरुष पर दृष्टिपात करते हो तब अधर्म बढ़ता है, रात रात भर मोबाइल पे वीडियोस देखते रहते हो उल्टे सीधे तब अधर्म बढ़ता है,
दृष्टि दूषित होती है, जब गंदे शब्द सुनते हो तो अधर्म बढ़ता है, श्रवण शक्ति दूषित होती है, जब अपने मुंह से गंदे गंदे लफ्ज शब्द बोलते हो तब आपकी वाणी शक्ति जो है अपवित्र होती है, तब अधर्म बढ़ता है। हर एक घर में है अधर्म, बोलो हाँ या ना, जब आप मना करो बोले हमारे घर में नहीं है। दिन में 2 सेकंड के लिए मंदिर हुआते अपने आप को हम धर्मात्मा मानते हैं, और पूरे दिन झूठ बोलते रहते तो उसको अधर्मी नहीं मानते। दूसरों की संपत्ति पे हमेशा नजर टिका के गाड़ के बैठे रहते हैं, उसे हम अधर्म नहीं मानते। लेकिन 2 रुपया हम दान के मंदिर में चढ़ा दें तो हम अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं। दिन भर कितनों से लूटा ये नहीं ध्यान दिया, लेकिन 5 रुपये मंदिर में चढ़ा दिए तो हम धर्मात्मा हो गए। क्या है धर्म, क्या है अधर्म? हम लोगों के जीवन में धर्म की श्रृंखला 1% भी ढंग से नहीं है, और अधर्म 99% हम लोगों के जीवन में अधर्म है। माँ बाप से छल करते हैं, पत्नी से छल करते हैं, पति से छल करते हैं, बच्चों से छल करते हैं, पड़ोसियों से छल करते हैं, व्यापार में छल करते हैं, जॉब में सर्विस में छल करते हैं। कौन सी ऐसी जगह है जहां हम छल नहीं करते? यह अधर्म है, धर्म नहीं है। जब अधर्म बढ़ता है तब भगवान आते हैं, इसलिए राम आए क्योंकि रावण ने अधर्म बढ़ाया, इसलिए कृष्ण आए क्योंकि कंस ने अधर्म बढ़ाया, और इसलिए यहां पर देवकी नंदन कथा सुना रहे हैं क्योंकि यहां भी कोई बीड़ी पी के, कोई गुटखा खा के, कोई शराब पी के, कोई मांस खा के अधर्म बढ़ा रहा है। इसलिए ठाकुर जी ने निर्णय किया कि यहां पर कथा हो, सब नहीं तो कुछ सुधरे। सब तो नहीं सुधर सकते, अगर इतने लोग सुधर गए तो भिंड ही स्वर्ग बन जाएगा, इतने नहीं सुधरेंगे, आई नो वेरी वेल, बट कुछ पीपल अवश्य सुधरेंगे। और ये जो कुछ सुधरेंगे ना, उन्हीं के लिए कथा हो रही है, याद रखना, सबके लिए नहीं हो रही। सब तो तमाशगीन बन के बैठे होंगे, लेकिन जो अपने जीवन में यहां से कुछ कैच करके जाएगा, ये कथा उसी के लिए हो रही है। अब तुम ये सोचो कि तुम्हें ये कथा अपने लिए चाहिए कि नहीं चाहिए, इट्स अप टू यू, इट्स नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम स्पीकिंग फॉर ऑल, सबके लिए बोल रहा हूं, जैसे जितना चाहिए ले जाओ। जब जब अधर्म की श्रृंखला बढ़ती है तब तब भगवान आते हैं, या भगवान के भक्त आते हैं, या कथाकार आते हैं, या फिर संत आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। अब गौ हत्या होगी तो अधर्म होगा, ब्राह्मण की हत्या होगी तो अधर्म होगा, और वहां ब्राह्मणों से कहा गया अगर मेरी विजय नहीं हुई तो तुम सबको मार दिया जाएगा, और भगवान से कौन जीते? प्रश्न यह है, भगवान से कौन जीत सकता, बोलो? हमारे ब्रज में कहावत है, रामते और गामते काऊ की ना पार पर है, पर है गामते और रामते, पूरा गांव लठ लेके ठाड़ हो जाए, कितनों बड़ो मंत्री, कितनों बड़ो आदमी, कितनों बड़ो बिजनेस हो, भागना ही पड़ेगा गांव छोड़ के, क्योंकि पूरा गांव ही आएगा। और रामते कोई कितनों भी बड़ो रईस हो, पदवान हो, ज्ञानवान हो, प्रतिष्ठावान हो, 1 सेकंड में ना लगे सब लोग यूं ही कहते दिखे राम नाम, काके भैया राम नाम, और जट ले जाए खेत पे गंगा जी में नाए बहा में, मैं यही लुड़का दे के तू यही ठेक है, खेत में खाद बन जा, जा खेत की मेड़ काटता रहो जीवन भर, जय की खाद बन के अब जय में मिल जा, माटी में मिले माटी और पानी में पानी, अरे अभिमानी तेरी यही जिंदगानी। अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ हो गया, तो भगवान से किसकी पार बसा सकती है, तो कौन भगवान को हरा सकता है? तो ये सोच के कि वीरता के कार्य मैंने बहुत किए हैं, आज ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा के लिए मुझे कायरता का भी काम करना चाहिए, तब कालियवन के आगे से भगवान रण छोड़कर भाग गए, और उनका एक नाम पड़ा रण छोड़ राय। और आज भी आप जब गुजरात में जाएंगे तो रण छोड़ राय का मंदिर है, बड़ा सुंदर मंदिर है, बड़ा अद्भुत दर्शन है। रण छोड़ राय किसके लिए बने? धर्म की रक्षा के लिए। किसके लिए? जोर से बोलिए। अब ईमानदारी से बताइए, अगर कृष्ण हमारे बाप हैं, माई बाप हैं, हम उनकी संतान हैं, क्या हमें
अपने कृष्ण के धर्म की रक्षा नहीं करनी चाहिए? बोलो, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करना है। माथे पे तिलक नहीं है, सत्य वचन नहीं है, गले में तुलसी नहीं है, बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, रामायण का पठन नहीं है, हनुमान चालीसा का पठन नहीं है, सूर्य को जल देना नहीं है, जीवन में सदव्यवहार नहीं है। अगर मैं कृष्ण को मानता हूं तो कृष्ण की भी माननी चाहिए। सिर्फ कृष्ण को मानने से काम नहीं चलेगा, कृष्ण की मानने से काम चलेगा। कृष्ण की भी मानो। आप मेरे आग्रह को समझ रहे होंगे कि अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। कि अभिमान तो भगवान ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए रण छोड़ दिया, और रण छोड़ रहा है नाम रखा लिया सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए। आप सबसे हमारा निवेदन है, अगर अपने आप को कृष्ण का प्रेमी मानते हो, अगर अपने आप को सनातनी मानते हो, तो अपने घर में कम से कम सनातन को जिंदा करो। अपने घर में सनातन को मत मरने दो। अगर तुम वाकई हिंदू माँ का दूध पी के बड़े हुए हो, तो अगर थोड़ा भी जमीर जिंदा है, कृष्ण बार बार आते इस धरती पे धर्म की रक्षा करने के लिए, उसी धर्म की रक्षा करने की कसम खाओ अपने घर में। मैंने ये नहीं कहता कि पूरा परे मोहल्ला सुधार दो, ना, मोहल्ला मत सुधारो, अपने आप को सुधारो और अपने परिवार को सुधारो, सिर्फ उसकी कसम खाओ। इतना तो कर सकते हो ना, करना चाहिए। झूठ सांच बोल बोल के कितनों को शराबी बना दिया एक शराबी ने, रोज टीवी पे ऐड दे दे के कितनों को जुआरी बना दिया एक क्रिकेटर ने, दो चार हीरो ने पूरी दुनिया को जुआरी बना दिया, सब लग गए ड्रीम इलेवन में, तमाम जुआ खेल रहे हैं, तमाम गेम खेल रहे हैं मोबाइल में, हाँ या ना? ये क्या है, जुआ नहीं है? जुआ है कि नहीं? जितने भी जुआ खेलने वाले हैं सबका पतन होगा। इनके घर में कभी शांति नहीं आएगी, इनके घर में कभी धर्म का झंडा नहीं फहराएगा जो जुआ खेलेगा। अरे पहले चौसर पे खेलते थे, अब मोबाइल पे खेल रहे हैं, खेल तो जुआ ही रहे हैं। इतिहास नहीं पढ़ते हो, पांडवों ने एक बार गलती की थी, उसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, कितना बड़ा, करोड़ों करोड़ों लोग मर गए, और तुम सोचते तुम बच जाओगे, तुम्हारी लाखों योनियां बर्बाद हो जाएंगी। चोरी से कमाया हुआ, छल से कमाया हुआ एक भी रुपया तुम्हारी पतन का कारण है।